अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड मूवीज। चलिए आइए देखते हैं हम प्याज मसाला डोसा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 2 कप अलगर यानी कि उड़द दाल लेंगे। इसके अंदर हम कुछ डालेंगे मेथी की डालेंगे और इसके सामने हम लेंगे 5 कप चावल। मेजरमेंट हमें ध्यान में रखना है, 2 कप अगर हमने अलगर की दाल ली है तो इसके सामने हमें 5 कप चावल चाहिए। आप कोई भी सही चावल ले सकते हो। इसे 4 से 5 घंटे के लिए हमें भिगा के रखना है पानी में। चलिए आइए, मेरे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। देखिए दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसे बिल्कुल महीन पीस लेंगे। देखिए भाई, हमने इस दाल को पीसा है, देखिए ये बहुत ही मुलायम हो चुकी है। हमें बिल्कुल ऐसा ही पीसना है और ध्यान रखिए कि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। दाल हमारी अच्छे से पीस जाए उतना ही थोड़ा ही पानी हमें इसके अंदर इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम चावल को भी पीस लेंगे। देखिए भाई, ये हमने चावल को भी अच्छा पीस लिया है, इसको भी हमने फर्मेंटेशन के लिए हमें इसके अंदर मीठी दाना जो होता है वो हमें कुछ दाने इसके अंदर डालने चाहिए। आप नहीं चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डालने से इसके अंदर जल्दी से फर्मेंटेशन अच्छे से आ जाएगा। और इसी तरह हम एक ही डायरेक्शन में इसे हिलाते हुए 4 से 5 मिनट के बाद हम इसको फर्मेंट होने के लिए ओवरनाइट रख देंगे। देखिए ये हमारा फर्मेंट हो चुका है, अब हम इसे ओवरनाइट रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। हम देखिए गाइस, ये ओवरनाइट हमने फर्मेंट करने के लिए रख दिया है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए आप इसे, ये कितना अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए चम्मच से हम इसको हटा रहे हैं तो नीचे से बिल्कुल जालीदार दिख रहा है। बिल्कुल हमें ऐसा ही फर्मेंटेशन चाहिए। बेहतर थोड़ा सा ठीक है, तो डोसा बनाने के टाइम पे हम इसके अंदर कुछ पानी और नमक ऐड करेंगे। चलिए तब तक हम चटनी बना लेंगे, कोकोनट चटनी बनाएंगे। Thank you.
देखिए इस तरीके से हम मसाला डाल देंगे और ये भी हमारा अपने आप ही देखिए इसने अपनी धार को छोड़ दिया है, ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। चलिए आइए हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए गाइस रेडी है हमारा मसाला डोसा बिल्कुल होटल स्टाइल। देखिए हमने इसको सर्व किया है कोकोनट चटनी और सांभर के साथ। आप मेरी रेसिपी को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब